तो फाइनली एसएससी एमटीएस का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। 1500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अगर आप 10th पास हो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम हुआ है तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे उनका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फिलहाल डिटेल नोटिफिकेशन की बात करेंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 30 जून से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट यहाँ पर 21 जुलाई रहने वाली है। 21 जुलाई तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी एडिट वगैरह का आपको बताया गया, विंडो करेक्शन वगैरह के बारे में बताया गया, तो कोशिश कीजिए पहले ही फॉर्म से इसे फिल कर लो, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, बाद में फॉर्म फिल गलत कर रहा होता है और वो रिजेक्ट हो जाता है। मैक्सिमम फॉर्म जो है वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट होते हैं, तो आपको एक एक डिटेल का ध्यान रखना है। फिर भी अगर गलती होती है, जब करेक्शन का टाइम आएगा तब करेक्शन कर लेनी है। और एग्ज़ाम आपका सितंबर के मंथ में होने जा रहा है, और इसी एसएससी एमटीएस की तैयारी हम आपको कवर करवा रहे हैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम। तो उसका लिंक मैं आपको किसी भी एक वीडियो का लिंक आपसे मैं शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके क्लिक करके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। सितंबर में एग्ज़ाम आने वाला है, टाइम लिमिटेड है, अच्छे से तैयारी करो। जहाँ पर एक तरफ JKSSB के एग्ज़ाम नहीं हो रहे, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए अपने उस एग्ज़ाम की JKSSB के एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अपने आप होती जाएगी। यहाँ पर देखिए वैकेंसीज एमटीएस के जो है वो लगभग 1200 के अप्रॉक्स रहने वाली हैं, हवलदार की 360 के अप्रॉक्स रहने वाली हैं, और ये बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात अभी तक ऐसे देखा जा रहा है कि एसएससी की वैकेंसीज हमेशा बढ़ती जा रही हैं, तो उम्मीद कर सकते हो एमटीएस की वैकेंसीज भी बढ़ सकती हैं, नोटिफिकेशन वगैरह कोई आगे सामने आ सकता है। आगे चल लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो रहने वाले हैं, बाकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप अप्लाई आराम से डिटेल में पढ़ लेना। 18 से लेकर 25 ईयर तक की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 18 से 27 ईयर्स तक की एज है तब भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखा जाए तो रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स क्या हैं वो भी कवर कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी का आप सभी को पता है, यहाँ पे मैक्सिमम एप्लीकेशन फ़ीस जो वो 100 रुपीज़ रहती है, और उसमें भी जो कैटेगरी है या वुमेन कैंडिडेट्स की बात करें, उन्हें किसी तरह की एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इस तरह की डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एसएससी की ऑफिशियल साइट में जाके अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी जैसे आपको बता चुका हूँ 100 रुपीज़ एप्लीकेशन रहती है, बाकी कैटेगरी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए वो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहती, वो फ्री में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे, जल्दी से फॉर्म भर लीजिए ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो आप जहाँ रजिस्टर्ड है यूटी में रहते हो वहीं पर आपको एग्ज़ाम वगैरह आ जाए। जम्मू कश्मीर में उसके एग्जामिनेशन सेंटर बनते हैं, तो जम्मू कश्मीर वाले भी ज़रूर यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आपको एग्ज़ाम होने वाला है, और कंप्यूटर बेस्ड इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है। सेशन वन होगा, सेशन टू होगा। सेशन वन में रीजनिंग होगा, मैथ होगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मैथ के भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स रहने वाले हैं। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का रहेगा, और 45 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। ये वाला सेशन सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, सिर्फ पास करना होता है आपको। इसका जो स्कोर है वो आपका मेरिट में, जब मेरिट बनेगा उसमें स्कोर इसका ऐड नहीं होगा। हाँ, अगर ये पास हुआ होगा तभी ये वाला पेपर चेक होगा। तो दोनों पास करना ज़रूरी है, ये पास करना ज़रूरी है या फिर अच्छे स्कोर करना ज़रूरी है अगर आपका मेरिट में नाम चाहते हो। बाकी GK की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करें, 25 25 क्वेश्चन, 75 75 मार्क्स का रहने वाला, 45 मिनट्स का टाइम रहने वाला है। और सेम डे में होने वाले, अभी पहले क्लियर दिया कर दिया हुआ है। जैसे 45 मिनट्स होंगे, पहले आपके विंडो क्लोज हो जाएगी, सेशन टू अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब 45 मिनट्स और हो जाएंगे फिर अपने आप कंप्यूटर वगैरह एंड कर देगा। इस तरह की डेटा हमें बताई जा रही हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, 1 मार्क, एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखेंगे। एक क्वेश्चन मिला तो एक नंबर कट जाएगा, और एक क्वेश्चन ठीक होगा 3 नंबर मिलने वाले हैं। इस तरह की मार्किंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के रहने वाली हैं, ये जो PET वगैरह जिनका होना, उनकी डिटेल्स बताई गई, कितनी वॉक वगैरह के रहने वाली है, वो डिटेल्स यहाँ पर बताई जा रही हैं। बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट था वो आपसे शेयर कर लिया है। सिलेबस वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको दिखा देता हूँ। बाकी आपको मैंने बताया जब तैयारी करवाई जा रही है डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे जाकर आप इसकी तैयारी कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ऑलरेडी सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको वो भी कवर करवाए जा रहे हैं, तो इसी PDF में आपको सिलेबस वगैरह भी मिल जाता है, वो भी आराम से देख के वो भी पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं करने वाला हूँ वीडियो को एंड, मिलूंगा नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।